नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान सिविल और मैं हूं आपके साथ चोप सिंह सक्सेना और बात करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर। ताजनगरी आगरा के थाना ताजगंज क्षेत्र के गांव बहटा बजेरा पर देखिए किस प्रकार डंपर की चपेट में आने से बाइक सवार महिला की मौत का मामला सामने आया है। बताया गया है उसकी साथी महिला घायल हो गई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार शुक्रवार की दोपहर लगभग 1 बजे थाना भमरौली कटारा निवासी बसेरी भाण के रहने वाले अजीत कुमार अपनी पत्नी और भाभी के साथ किरावली गमी में शामिल होने के लिए बाइक से जा रहे थे। बताया जाता है जैसे ही वह थाना ताजगंज क्षेत्र के पहटा बजेरा गांव पर नहर पर पहुंचे तो पीछे से तेज गति के आते हुए डंपर ने बाइक में टक्कर मार दी। तेज धमाके की आवाज सुनकर आसपास के लोग मौके पर दौड़े तो देखा बाइक सवार अजीत कुमार नहर में जा गिरा है। वहीं दोनों सवार महिला डंपर के नीचे आ गई है, जिसमें से बताया गया है कि 36 वर्षीय मधु की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई है। वहीं उसके परिवार की 42 वर्षीय महिला सोना देवी गंभीर रूप से घायल हो गई है, जिसे स्थानीय लोगों ने तुरंत इलाज के लिए एक निजी अस्पताल में भर्ती करा दिया है और सूचना पाकर थाना ताजगंज का फोर्स भी मौके पर पहुंच गया है। बताया जाता है इसी बीच महिला का शव रोड पर रखे होने के चलते एक लंबा जाम लग गया और सूचना पाकर परिजन भी मौके पर पहुंच गए और कार्रवाई की मांग करने लगे हैं। बताया गया है मौका पाकर डंपर चालक मौके से डंपर को छोड़कर फरार हो गया है। आप ये लाइव तस्वीरें देखिए, देख रहे हैं आप किस प्रकार बड़ी संख्या में वाहनों की लंबी कतार लगी हुई है। और वहीं स्थानीय लोगों की अगर बात मानी जाए तो स्थानीय लोगों का कहना है कि अक्सर यहां डंपर सवार लोगों के चलते डंपरों की चपेट में आने से कई लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। कुछ समय पहले डंपर की चपेट में आने से एक महिला सहित सभी लोग नहर में जा गिरे थे तो वहीं एक कार भी नहर में जा गिरी थी। अक्सर हादसे होते हैं और उन्होंने इस रोड पर डंपर चलाने के लिए शासन प्रशासन से मांग की है कि इस पर डंपर ना चलाए जाए ताकि इस प्रकार की घटनाओं पर अंकुश लग सके। तो जानिए क्षेत्रीय निवासियों से एवं परिजनों से क्या कुछ है पूरा मामला और किस प्रकार डंपर की चपेट में आने से महिला की दर्दनाक मौत हुई है और छोटे छोटे मासूम बच्चों से देखिए किस प्रकार मां का साया उठ गया है। इस तरह से हादसा हुआ, क्या है ये डंपर है, खनन विभाग से इसकी परमिशन जो लेके आते हैं, कुछ लोग तो परमिशन ले लेते हैं और कुछ लोग नहीं ले पाते हैं, तो वो जल्दबाजियां करते हैं। इस पर बहुत गंभीर रफ्तार में यहाँ से चलते हैं गुजर के इस रोड से। पहली बात तो यहाँ ये ट्रक वालों की यहाँ नो एंट्री है, यहाँ कोई उपलब्धि है नहीं है यहाँ पे, ये ट्रक वाले यहाँ से गुजरे और हम लोगों ने पहटा बजेरा गंगरुआ दिग्नर काफी लोगों ने प्रयास किया पर ये ट्रक वाले फिर भी नहीं मानते हैं, अपनी मनमानी करते हैं और तेज रफ्तार से यहाँ से निकलते हैं। कई हादसे यहाँ हो चुके हैं। अभी इस ट्रक वाले ने 2 महिलाओं को रौंद दिया बहुत बुरी तरह से, जिसमें एक लड़का जो ड्राइवर था बाइक सवार वो तो बच गया जो नहर में गिर गया था, इसलिए 2 महिलाएं ट्रक के पहिए के नीचे आ गई जिसमें एक तत्काल में ही मौत हो गई। दूसरी महिला जो गंभीर हालत में थी वो हमने जीआर हॉस्पिटल में भेज दिया, अब उसका भी पता नहीं है वो बचेगी या नहीं बचेगी, शायद प्रभु की कृपा यही है कि वो ठीक हो जाए, पर वो मेरे अंदाज से बचेगी नहीं क्योंकि वो पूरा पेट और उनकी आत्माएं बाहर निकल आ गई हैं। और यहाँ से करीबन 1-1.5 किलोमीटर आगे 2 लड़कों की भी मौत हो गई है अभी 10-15 मिनट के पहले। इनके बारे में कोई जानकारी है कहाँ के हैं ये यहीं के रहने वाले हैं, कौन सा भाण बिसेरी के रहने वाले हैं, डॉकी थाना। अरे चालक का क्या हुआ, डंपर वाले चालक का? डंपर वाला भाग गया यहाँ से, उसकी कोई पता नहीं है, पर हम लोगों की बस सभी मीडिया वालों से यही अपील है, न्यूज और से हम अपील करते हैं, हमारा भारी से भारी सहयोग करें और योगदान आपका रहेगा तो हम शायद भगवान के आशीर्वाद से ये ट्रक बंद कराने में समर्थ रहेंगे, क्योंकि इन ट्रक वालों ने बहुत ज्यादा यहाँ ट्रैफिक लगा रखा है। रात को तो यहाँ से निकलना भी बहुत बड़ी मुश्किल हो जाती है, गाँव के लिए बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। क्या नाम है आपका? राजेंद्र सिंह, कहाँ के रहने वाले? शहरी वांड के। ये क्या मामला है? ये एक्सीडेंट हुआ, ये चाचा के लड़के थे, कहाँ से आ रहे थे? विशेरी वाहन से ही आ रहे थे। क्या नाम था इनका? अजीत सिंह, चला के ले आ रहा था वो भाई, भाई भी और बहुत थे संग, दो लोग सवार थे। हाँ जी। क्या नाम था इनका? सोना देवी और मधु। क्या हुआ? ये ट्रक डंपर से पीछे से टंकर मारा है, डंपर ने पीछे से टक्कर मारी। हाँ जी। फिर क्या हुआ? और एक तो ये डेड बॉडी यहीं पर हो गई, दूसरी इमरजेंसी पहुंची है। मतलब एक महिला खत्म हो गई है? हाँ जी। क्या नाम है उनका?
आगरा वो गई है, वो सालों से भी। अच्छा, उनकी तबीयत कैसी है? वो अब इमरजेंसी कोई हालत खराब है, बहुत गंभीर है, बचने की कोई उम्मीद नहीं है। दूसरी क्या नाम है इनका? ये मधु है। इनकी क्या हालत है? ये तो डेड हो गई, ऑन स्पॉट खत्म हो गई। हाँ जी। तो ये कहाँ जा रहे थे ये लोग? ये जा रहे करावली फिरने जा रही थी। कहाँ जा रहे थे? करावली फिरने जा रहे। इनके जा रहे थे अपनी बहन के यहाँ फिरने के लिए जा रहे थे। हाँ जी। तो कब की बात है ये? कब की बात है? अभी आज पौन घंटा हुआ होगा। अभी की बात है? हाँ जी। तो फिर पुलिस आ गई मौके पर? हमें सूचना मिली, हमें तो पुलिस यहीं पर मिली है। अच्छा, अब क्या कार्रवाई की मांग कर रहे हैं आप लोग? ये मांग कर रहे हैं कि वो उसका भाई आ जाएगा, बड़ा जब ही हुआ है। इसमें क्या जानकारी है? मेरे छोटे भाई की लहू हैं दोनों। कहाँ जा रहे थे ये? मने करावली के पास, मने के पास मने गमी में जा रहे थे। भाई गाड़ी चला रहा था। दादा कहाँ से है ये? बिसहरी बाण है, ये बिसहरी बाण है गाँव, थाना बाउंड्री करा रहा हूँ। और वहाँ से जाके किरावली जा रहे थे फिरने के लिए गम्मी में। तो ये चला रहा था, ये छोटा भाई है, इसकी घरवाली जो मौके पर खत्म हुई, इसकी घरवाली है और बड़ी है इसकी भाभी है। क्या मानते हैं ट्रक चालक की लापरवाही? नहीं, हाँ ट्रक चालक की लापरवाही है और उसने वो दी है, पीछे से आगे जा रहे थे, पीछे से टक्कर मारी है, पीछे से आगे वो किया है एक्शन। ताजनगरी आगरा के थाना ताजगंज क्षेत्र के अंतर्गत आप मेरे साथ मौजूद हो इस समय बजेरा पर। आपको बता दें कि बजेरा पर आप मेरे पीछे तस्वीरों में देख रहे हैं किस प्रकार नहर पर वाहनों की लंबी कतार लगी हुई है। दरअसल बिसहरी बाढ़ का एक परिवार बाइक से किरावली अपने रिश्तेदारों के यहाँ गमी में जा रहा था और बताया गया है कि जैसे ही वह बजेरा गांव पर पहुंचा है तो पीछे से तेज गति के आते हुए डंपर ने उन्हें अपनी चपेट में ले लिया, जिसमें एक महिला की मौके पर ही मौत हो गई है, वहीं दूसरी महिला घायल है जिसे इलाज के लिए अस्पताल भेज दिया गया है। वहीं मौके पर ताजगंज फोर्स पहुंचा है और देखिए यहां जाम भी लगा दिया गया है और ग्रामीणों की मांग है कि इस पर चलने वाले भारी वाहन और डंपरों पर रोक लगाई जाए ताकि आए दिन होने वाले हादसों पर अंकुश लग सके। वहीं देखिए पुलिस प्रशासन किस प्रकार परिजनों को समझाने का प्रयास कर रहे हैं और यहाँ तस्वीरों में देख रहे हैं एक लंबा जाम लगा हुआ है। चौक सिंह सक्सेना आगरा। और इसी के साथ जुड़े रहे आप हमारे साथ और देखते रहे हिंदुस्तान सीबीएन।